राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पहले स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन हुआ है। ये उद्घाटन पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा किया गया है। गंभीर ने खुद उद्घाटन समारोह में विधिवत दीप प्रज्वलित करके इसकी शुरुआत की है। सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित निगम ने ये स्मार्ट स्कूल मयूर विहार फेज 1 में बनाया है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी से लेकर तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे बच्चों की प्रतिभा और शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके। इसके साथ ही स्कूल प्रांगण में अभिभावकों के लिए वेटिंग एरिया में कुर्सी और बच्चों को साफ सुथरा प्रदूषण रहित माहौल देने के लिए स्कूल में वर्टिकल गार्डन के साथ पार्क और व्यायाम के लिए जिम का भी निर्माण किया गया है। अच्छा स्कूल बनाया गया, एक स्मार्ट स्कूल बनाया गया, जो स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सकता है। और ये स्कूल का निर्माण एक सच्ची नीयत, एक सच्ची सोच का की मेहनत का नतीजा है कि अगर आप सच्ची सोच से, सच्ची नीयत से काम करेंगे तो आप ऐसे स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, एक चीज यहां पर मैं प्रिंसिपल मैम और टीचर्स को कहना चाहूंगा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वो है कि जो आप क्लासरूम्स के अंदर देते हैं, क्लासरूम्स के बाहर नहीं। और जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो मैंने कहा मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ भगवान के रूप को जरूर देखा है। मैं अपनी टीचर्स को, अपने गुरु को अपनी माँ का दर्जा देता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने जब मुझे स्कूल में भेजा तो एक विश्वास के साथ भेजा कि जब मैं स्कूल जाऊँगा तो जिन टीचर्स को सौंपा तो एक विश्वास के साथ सौंपा कि जब मैं उस स्कूल से बाहर आऊँगा तो मैं कुछ बन पाऊँगा, इस देश का नाम रोशन कर पाऊँगा। तो इसलिए जब आप सारी टीचर्स को, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ, जब आप उन क्लासरूम्स के अंदर घुसें तो आप एक भगवान हैं इन बच्चों के लिए, तो उसी तरीके से आप इनको पढ़ाएं, क्योंकि इनका भविष्य ही इस देश का भविष्य है। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जो भी माता पिता हैं उन्होंने एक विश्वास के साथ उन बच्चों को यहाँ पर भेजा है, आपके हवाले किया, आपके हवाले आपको सौंपा है, तो इनको आप अपने बच्चों की तरह इनकी देखभाल करें। और मैं विद्या के मंदिर से कोई राजनीति करना नहीं, करने नहीं आया, ना मैं करना चाहता हूँ। कई लोगों ने विद्या को भी नहीं छोड़ा राजनीति करने से, लेकिन बिल्कुल साथ में ही एक दिल्ली सरकार का स्कूल है जिन्होंने इतने बड़े बड़े एडवर्टिजमेंट, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स, पिछले 4.5 साल से सिर्फ एजुकेशन और विद्या के बारे में बात करी। तो अगर वो असली इंफ्रास्ट्रक्चर या असली स्कूल देखना चाहते हैं तो वो इधर आके देखिए कि सच्ची नीयत से किस तरीके का स्कूल बनाया जा सकता है। एक मॉडल स्कूल, एक स्मार्ट स्कूल जिसमें हर तरीके की सुविधा है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बच्चों को यही कहूँगा कि यहाँ पर आए, दिल से पढ़े लिखे, सारी यहाँ की सुविधाएं लें और अपना भी नाम रोशन करें, अपने घर वालों का भी नाम रोशन करें और आगे जाके इस देश का नाम रोशन करें, क्योंकि इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। इस मौके पर सांसद गौतम गंभीर ने बच्चों को संबोधित भी किया है। वहीं दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर ने कहा है कि दिल्ली सरकार विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करके राजनीतिक रोटियां सेकती है, लेकिन वे काम करके दिखा रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सचिन बिरला, दिल्ली।